हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद गिरी सिस्टर्स। ओके, क्लास सेवन का आज मैं वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि कोई प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी, उसके लिए आई एम सो सॉरी। एंड एक्सरसाइज 2.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज के इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करूँगी और ये जो एक्सरसाइज है आपका 2.1 इसे कम्प्लीट करेंगे। तो होप आप लोग को अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड्स, टीचर्स एंड दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ओके, तो मैं इस वीडियो में ओनली इंग्लिश मीडियम का ही कंटेंट मैं यहाँ पे डालूंगी, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश हिंदी वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं पूरा हिंदी में लिखूंगी, तो हिंदी वाले बच्चे प्लीज़ निराश मत होइए, अब आपके लिए हिंदी में भी कंटेंट्स आने वाले हैं। ओके, देन चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। 9 क्वेश्चन नंबर मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ बुक इज 2:5। इफ़ द प्राइसेस ऑफ द फर्स्ट बुक इज 32.50 रुपीज, देन फाइंड द प्राइस ऑफ अदर। ठीक है, हेयर इट इज गिवन द रेशियो ऑफ द प्राइस ऑफ द बुक्स। ओके, द टू बुक्स आर हेयर एंड द रेशियो ऑफ देयर प्राइस इज 2:5। देन वी हैव टू राइट लाइक दिस के आंसर, द रेशियो ऑफ बुक्स इज 2:5। ओके ओके, एंड द प्राइस ऑफ फर्स्ट बुक इज गिवेन 32.50, बट वी डोंट नो द प्राइस ऑफ द अदर बुक, देन वी हैव टू अज्यूम लेट द प्राइस ऑफ अदर बुक इक्वल्स एक्स। ओके, तो इसे हम कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं, एलजेब्रिक फॉर्म में सॉल्व करने जा रहे हैं, तो मैंने इसे क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ओके, then the let the price of the other book is x, then we have to write the first book to second book, this is for first and this is for second. Okay, this is for first, this is for the second. Okay, then the price of the other books, that means second book is x and price of the first book is given here 32.50, then we have to write like this, that is, and the price of first book is 32.50 is 2 price of the second book is x equals price of first book 2:5, that means the price is given here first to second, इसलिए मैंने first book का price पहले लिखा और second book को जो मैंने other book जो था उसे हमने x माना था तो उसे हम बाद में लिख रहे हैं, तो इस तरीके से हमें लिखना है। ओके, नाउ ये जो इस टू का जो साइन होता है या फिर जो रेशियो का साइन होता है, दैट विल चेंज इज द फॉर्म ऑफ डिवीजन, दैट मीन्स 32.50 डिवाइडेड एक्स वी हैव टू राइट, एंड फॉर दिस वी हैव टू राइट 2/5। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्टली 2 to x, दैट मीन्स 2x इक्वल्स 32.50 मल्टीप्लाई 5। ओके, यू नीड नॉट टू मल्टीप्लाई 32.50 टू 5। ओके, दैट मीन्स नाउ वी गेट x इज इक्वल्स टू 32.50 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड 2। ओके, नाउ वी हैव टू डिवाइड 32.50 टू 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 5, वी गेट द x वैल्यू ऑफ x। ओके, देन आफ्टर डिवाइडिंग दिस वी गेट 2 2 1 2 2 6 12 2 2 4 2 5 10, दैट मीन्स डिवाइडिंग बाई 2 वी गेट 16.50 मल्टीप्लाई 5। देन मल्टीप्लाई दिस सिंपली, इफ यू वॉन्ट देन यू कैन यूज द रफ हेयर, एंड इफ यू वॉन्ट टू डू देन यू कैन डू हेयर ऑल्सो। ओके, देन मल्टीप्लाइंग बाई दिस वी गेट 81.25 रुपीज, दैट मीन्स वट वी हैव अज्यूम फॉर x, x इज द प्राइस ऑफ अदर बुक, देन दी वी हैव टू राइट द प्राइस ऑफ अदर बुक इज इक्वल्स टू 81.25 रुपीज, सॉरी वी हैव टू मैंशन रुपीज ऑल्सो हेयर। ओके, देन द प्राइस ऑफ अदर बुक इज दिस। ओके ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग द रेशियो ऑफ द सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर इज 22:7। इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज 2 meter 1 decimeter, देन फाइंड द सर्कमफेरेंस, फाइंड द लेंथ ऑफ द सर्कमफेरेंस। ओके, द हेयर इज गिवन द सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर, दिस इज द सर्कल एंड दिस इज द सर्कमफेरेंस, दिस इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, एंड डायमीटर इज वॉट, डायमीटर इज दिस विच इज
विच इज पासिस थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर. द रेशियो इज गिवेन द सर्कमफेरेंस देन टू द डायमीटर. ओके, देन वी हैव टू राइट द रेशियो ऑफ, फर्स्टली वी हैव टू राइट द लेंथ, सॉरी ओके वी हैव टू राइट लेंथ. ओके, लेंथ ऑफ द डायमीटर, वॉट इज गिवेन हियर, हियर इट इज गिवेन द लेंथ ऑफ द डायमीटर. एंड लेंथ ऑफ द डायमीटर, डायमीटर इक्वल्स 2 meter 1 decimeter. ओके, 2 decimeter 1 decimeter. देन वी हैव टू चेंज एज इफ इन मीटर और इन डेसीमीटर. ओके, दैट मीन्स दिस इज कन्वीनियंट टू चेंज इन द डेसीमीटर आई थिंक. द 2 multiply 10, ओके, प्लस 1 इज डेसीमीटर. मीटर से डेसीमीटर में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 10 से मल्टीप्लाई करना होता है. ओके, देन 10 multiply 2, दैट मीन्स 20 plus 1, दैट इज 21 decimeter. ओके, 21 decimeter. जो कन्वर्जन है उसका भी मैं वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूंगी. अगर आप का रिक्वेस्ट आता है अगर इस तरीके से, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि कन्वर्जन कैसे करते हैं इजली, तो उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी. ओके, देन लेंथ ऑफ द डायमीटर बिकम्स 21 decimeter. नाउ वी हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस, देन वी हैव टू राइट फर्स्ट. नाउ द लेंथ ऑफ द डायमीटर बिकम्स 21 decimeter एंड वी हैव टू फाइंड द सर्कमफेरेंस. देन वी हैव टू अज्यूम दिस, अज्यूमिंग द लेंथ ऑफ सर्कमफेरेंस इक्वल्स एक्स. ओके, नाउ वी हैव टू राइट दिस, द रेशियो ऑफ circumference and diameter equals 22:7. You have to write like this in the way I am writing, तभी आपको marks मिलेगा. Okay, the ratio of the circumference कितना है, हमने x मान लिया था, and the diameter we have 21 decimeter and 22:7. That ratio becomes division, x divided 21 equals 22 divided 7, and by multiplying, क्रॉस मल्टीप्लाइंग, वी गेट 7x इज इक्वल्स टू 21 multiply 22. नाउ द वैल्यू ऑफ x बिकम्स 21 multiply 22 divided 7. जो भी x का जो कोफिशियंट होता है, जो वो नीचे आ जाता है, द कोफिशियंट इज से डिवाइड हो जाता है. 7 3 21 और 3 ये हो गया 66. दैट मीन्स x हमने किसको लिया था, x इज द डेसीमीटर, x इज द सर्कमफेरेंस, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स 66 decimeter इज द आंसर. ओके, दिस इज द आंसर. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. ओके, देन क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग, फ्रॉम क्लास 7 आउट ऑफ 150 students 90 students, एंड फ्रॉम क्लास 6 आउट ऑफ 140 students 80 students आर पार्टिसिपेटेड इन सिट एंड ड्रॉ कंपटीशन, देन लेट्स एक्सप्रेस इन द रेशियो. इसका मतलब क्या है कि 150 टोटल स्टूडेंट्स है फ्रॉम क्लास 7 एंड सॉरी क्लास 7 एंड इन 150 स्टूडेंट्स 90 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग, एंड फ्रॉम क्लास 6 देर आर टोटल स्टूडेंट्स आर 140 एंड आउट ऑफ 140 80 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन, देन वी हैव टू एक्सप्रेस इन दिस इन द रेशियो. ओके, देन मैं आप एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ आप लोगों को, कि अगर आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन है एंड यू हैव गॉट 5 out of 10, यू हैव गॉट 5 out of 10, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, 5 out of 10, दैट मीन्स 5 divided 10. आपके टीचर ने आपको इस तरीके से मार्क्स दिया होगा, 5 divided 10, दैट मीन्स यू गॉट 5 out of 10. इसका मतलब कि रेशियो के ही फॉर्म में या फ्रैक्शन के फॉर्म में हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं. उसी तरीके से हमें यहाँ यूज़ करना है. ओके, देन हमें लिखना कैसे है सॉल्यूशन में, कि रेशियो ऑफ क्लास 7 टू क्लास 6. 2 का मतलब ये हो गया कि पहले हमें क्लास 7 लिखना है, उसके बाद हमें क्लास 6 पे आना है. ओके, देन द रेशियो ऑफ क्लास 7 to 6, दैट मीन्स रेशियो का साइन देना है एंड क्लास 6. देन पार्टिसिपेंट्स आर, वी हैव टोटल पार्टिसिपेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 इज 150 एंड हाउ मेनी पार्टिसिपेटेड 90, एंड हेयर टोटल स्टूडेंट्स आर 140 एंड हाउ मेनी पार्टिसिपेटेड 80.
देन दिस इज द रेशियो, दिस इज द वे वी हैव टू राइट द रेशियो. ओके देन अब इसको क्या करना है, कट कर देना है. ठीक है, इसको रिड्यूस करना है. अब इसको रिड्यूस करो किसी तरीके से. पहले तो इसको आपस में ही कर लेते हैं. 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 2 4 ज़ा 8 और 2 7 ज़ा. दैट मीन्स 3 ÷ 5 = 4 ÷ 7. अब इसे हमें रेशियो को किस तरीके से हटाना है ये हमें करना है. तो इस तरीके का जो होता है इसमें भी इसका मतलब ही होता है इक्वल का साइन भी कर सकते हैं और ये डिवीजन का साइन भी होता है. बट रेशियो में बहुत तरीके के हम प्रॉपर्टीज यूज़ कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई भी यूज़ किया जा सकता है. तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई जब भी इस तरीके से का जब अपॉन करके आए ना, 3 / 5, 4 / 7 इस तरीके से आए तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है. तो 3 × 7 = 21 एंड 5 × 4 = 20. रेशियो बिकम्स 21:20. ओके देन विच क्लास हैज द ग्रेटर पार्टिसिपेशन, देन वी हैव टू राइट देन क्लास 7. 7 का ज्यादा है, क्लास 7 हैज ग्रेटर पार्टिसिपेशन. ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा था. आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट हियर इट इज, फाइंड विच ऑफ द टू क्लासेज हैज अ ग्रेटर पार्टिसिपेशन, देन क्लास 7 हैज ग्रेटर पार्टिसिपेशन. दैट्स ऑल. ओके देन दिस कंप्लीट दी सॉल्यूशन. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम मूव करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज 2.2. ओके तो जब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं. इफ यू रियली लाइक माई वीडियोज एंड वे ऑफ माई टीचिंग देन प्लीज लाइक, हिट लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय बाय.